इस वक्त मैं जगाधरी विधानसभा के गांव पीरूवाला में मौजूद हूं और कुछ किसान है जो खेत में बैठे थे। इन्हीं से जानेंगे कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है जगाधरी के अंदर। जिताऊ जी राम राम। राम राम जी भाई। माहौल तो बदलो चाह रहा, राहुल की बातें थे लोग खुश हैं और ये झूठे की बातें थे मोदी की कुछ नहीं है। झूठा कतई सारे मुल्क का झूठा, यो झूठ के पंडा ले रहा देश का। दो बार प्रधानमंत्री बन गए क्या वो? जवाहरलाल तीन बार बना था, इंदिरा गांधी बनी थी, ये तो बन जाएगा। पर यानी झूठा नहीं अड्डे देखा मानो कोई, आ फिर और देखा पात्रा उसके ऊपर झूठा। ओ मोदी ने गाला दे रहे, कौन दे रहा गाला? पर यूं तो कहना पड़ेगा झूठा, गाल तो नहीं हम भी करे मोदी जी ने, गाल तो ना मिंदे रहे, पर यानी झूठा। और एक सुना दुआ है वो कह रहा, मैं कहा तो बहुत कहा गंदे काम कर रहा राहुल गांधी का, क्या कर रहा गंदे काम राहुल? किसाना ने अंजना कह रही आना कंगना न्यू कंगना कह रही, कहा ने तो बलात्कारियाँ हैं, बलात्कार करे ने वहाँ दिल्ली में बॉर्डर पर, कौन से करे माने बलात्कार कंगना का? एक भूषण ब्रिजभूषण और यहाँ नून छड़क रहा आए काम हरियाणा में बातें कर रहा, मीडिया वाले भी दोरी खड़े सारी बार खड़े पर क्या कहाँ बेहो मानो गाला दे रहा यहाँ के हरियाणा की छोकरिया बेटा तो पापा खड़िया नहीं गया वहाँ तो दूसरे बेटे बहुत रहे औसे बेटे आदमी आ गए बेटे हैं मैं वो औसे बेटे तई भाई किसान तो इबका और होर भी दूसरी जातियाँ कई भी नाली हो रही बीजेपी के खिलाफ। तो ताऊ जी अब की बार माहौल बदलोगे क्या हरियाणा का? ऐसा कर देंगे काम का कलर काट देंगे। हुड्डा साहब को बनाओगे मुख्यमंत्री? भाई यो तो बनो कोई सो बन जो बनने मारे न्यू तो है नहीं, पर बनाने का तो कोई नहीं बन जो, पर मारे हाथ में नहीं, पर यहाँ तो मारे हाथ में बटन था अपना। चलो यहाँ तो बताओ अच्छा आपके यहाँ पे क्या माहौल है, तीन कैंडिडेट खड़े? हमारा तो सबसे ज्यादा तो इसकी अकरम खान के है। अकरम खान? हाँ हाँ जी। ताऊ जी किसका नंबर है अबकी बार? कांग्रेस की। कांग्रेस की? भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों हो रही है लोगों को? मानो पता जब की नाराज है किधर पिलसन में नहीं बना है आधार कार्ड भी नहीं बना था। आधार कार्ड तो बना नहीं है। आधार कार्ड भी नहीं बना? नहीं बनता नहीं कुछ और छोड़ 60 साल से मंत्री जी के पास जाता है आधार कार्ड बनवाने। कहां जाके वहां मिलते मंत्री वहां जगह देख लिया हम लोग अपने उसकी पवन कांग्रेस की वोट। परेशान हो बहुत? परेशानी हम लोग भाई। तो परेशानी कांग्रेस के हाथ खत्म हो जाएगी क्या? हां जी हमारा बल फायदा करे 6000 तो माने पिलसन के मिलगा दी। अरे ना झूठ बोल लिया कल सुन ले 20 वायदे करे नू 20, अरे कांग्रेस ने करे 7, वहाँ 7 पूरे हो गए, इन्हें चाहे 25 कर लेंगे नहीं बताओ पैन में सही मुगी नहीं तो एक दो और बढ़ाए देंगे गारंटी। ये तो गारंटी झूठ आया कताई। बहुत ज्यादा नाराज लग रहे आप तो। ज्यादा नाराज हो जी? ताऊ जी सच बात बता रहे क्या सब कुछ? हाँ ठीक है। हाँ भाई जगाधरी के अंदर क्या माहौल चला है चुनाव का? भाई कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ। और आदर्श पाल भी हैं, चौधरी कुंवर पाल भी है और अकरम खान। हाँ उधर भी अकरम की मारा था। अकरम की? हाँ। क्या सब किस किस का मुकाबला लग रहा है इस सीट पे? कांग्रेस का। किसके साथ? अकरम। बदलाव की तरफ है क्या हरियाणा? हाँ बदलाव। देख लो आम आदमी पार्टी केजरीवाल भी आए थे आज। वो भी तुम भी देख लो क्या रहा पता तो तुमने भी आया क्या रहा पता नहीं पता तुमने भी। हाँ जी ताऊ जी आप बताइए तो परेशान लग रहे भाजपा से? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए बस और कुछ नहीं। बदलाव करके गला सही होएगा क्या आपकी बार? गला सही होएगा। सही होएगा। इतनी नाराजगी क्यों हो रही है भाजपा से? बस नाराजगी मारी कोई नहीं है जी, किसी से नाराजगी नहीं है। पब्लिक से बताना है तो किसी से नाराजगी नहीं है। अच्छा जी भाई साहब क्या समीकरण है जीत का आपकी बार यहाँ पे सीट पे? हमारे गांव में ऐसे तो 750 वोट पोल हुई थी, 230 बीजेपी की थी और 500 कांग्रेस की थी और 10-20 वोट वैसे खराब हो गया, कांग्रेस का ही है जोर ज्यादा। अच्छा किस तरह जिताओगे कांग्रेस को अबकी बार? वोटा पाएगा और क्या। समीकरण क्या लगा रहे कि इतनी इसकी मिल जाएगी, इतने परसेंटेज यहाँ पे गुजर है ऐसे करके? नहीं पता एक डबी है। अच्छा अर्जुन सिंह जो पहले विधायक थे वो अकरम खान के साथ आएगा उसका फर्क पड़ेगा? नहीं तो राहुल गांधी के लो हैं। राहुल गांधी नहीं पता अर्जुन कौन है। अच्छा जी भाई साहब आप बताइए क्या समीकरण लगा रखा? मरा तो आदर्श पाल चल रहा जी तागा। आदर्श पाल? हाँ जी। और आप देख लो जाएगा आज केजरीवाल जी अरे जगाधरी में पैदा होने की जगह नहीं है कहीं। वो तो लोग आ रहे होंगे देखने के लिए भीड़ है वोट यारी तो ही तो अरे लोग वोट पावांगे तो ही तो अरे आदर्श पाल जी चल रहे अब तागा मुकाबला चल रहा दोनों का देखो कोई से चलागा।
देख लो कभी भाजपा निकल जाए, दोनों ही लड़ते रह जाए। भाजपा तो अपना तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रही है, मंत्री जो है अपना तीसरे चौथे पाने की लड़ाई लड़ रहा। अरे 10 साल हो गए कह रहे कि क्षेत्र में विकास तो ना 10 साल देख लिया लोगों ने, वो अंक बदलो कर लेंगे। हर गांव में सड़कें, नाली, पानी, बिजली कोई दिक्कत नहीं है। मारा तो है नहीं जी, आगे पता नहीं क्या होगा, पूरा तो है नहीं, कहीं लावा दो 20-20 किलोमीटर तक सड़क कहीं। अच्छा पानी बरसात का बतेरा है, खैर उसका दिया दिया बरसात का है। क्या कह रहे ताऊ जी? चलो खानी भी पड़ा गया कर लो ताऊ जी, चैनल आपके फोन में करके जाएंगे। नहीं हाँ जी बताओ, आ जाओ सड़क बखा सुखा आ तने बखा सुखाऊ तने। आप गए नहीं होंगे ना, कहाँ नहीं होगा ना वाली सड़क। 8 महीने बच्चा होगा नहीं, 8वां है ये सड़क पर चलकर 7:30 में मेरा बच्चा। राम राम जी। राम राम जी। ये सड़क कब से खराब है? ये सड़क ये तो जी काफी दिन से हो रही है, इसको तो हो गए 2-3 साल ऐसी खराब चल रही है। तो सरकार ने कुछ काम किया या खाली सरकार ने किया कुछ या नहीं? ना कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे ही जैसे चल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई सुनाई नहीं है इस रोड की। तो बदलाव चाह रहे हो या फिर से कुछ? ना बदलाव होना चाहिए ना, अभी होना चाहिए बदलाव तो, जब भी साफ बात बनेगी ना। तो क्या पता ये सड़क रह गए, कभी मांगने गए और सड़के तो कह रहे बनवा दिया सब कुछ। ना ना ये तो कोई नहीं बनी हुई, तेरे आपके सामने ही है। अच्छा सारे एरिया में लूंगा जिताओ जी। क्या लग रहा माहौल? और ठीक है, किसका माहौल चल रहा है गांव में? गांव में किसका माहौल चल रहा है चुनाव का? बीजेपी ने बहुत काम करे, इतने काम करे आज तक किसी सरकार ने नहीं करे। 87 हरियाणा बना ना, सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने करे, पर कौन से करे पूछा? कह रहे कुछ नहीं करा है बीजेपी ने, मतलब इतने काम करे किसानों के 74 छत्ते हर भाई 62 छत्ते कर्मचारी छत्ते आंगनबाड़ी छत्ते। तो अब तो टाइम आ गया लग रहा बदलाव का फिर है। ये तो सामने जाने बदल गया, तो आए क्या बदलो, अंधी आएगी कांग्रेस की, आने खड़े कांग्रेस। जी भाई साहब कैसा चल रहा खेती बाड़ी का काम? नमस्कार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी आपके चैनल का जी। तो काम काज कैसा चल रहा जी? काम का तो देखो जी खड्डे कितने पड़ रहे जी आपके सामने ही है जी, जितने भी है परले वाली घड़ी और कोई भी रोजगार सब बेकार है जी, नाश है जी इस मोदी सरकार में तो जी। तो क्या लग रहा है लगभग 10-15 दिन रह चुके हैं बस, तो क्या लग रहा है किसका बदलाव क्या होगा? बस जनता से हाथ जोड़ के यही बेनती है कि तख्ता पलट कर दियो जी, अब की बार तो बहुत तंग परेशान कर दिया है जी, जिमीदार से लेके जितने भी लड़के हैं जी, रोजगार कोई धंधा नहीं रहा जी, सब परेशान है जी सरकार से। तो लग रहा है अब की बार बदलाव होगा? बिल्कुल जी बिल्कुल सही जी ताऊ जी, सब कुछ दिखा दिया, बस आप बता दो बदलाव होगा भी या नहीं? होगा काम का, हूँ छोकरे से पूछा हाँ खड़ा आराम पूछ ले भी क्या ये सब्जी खिंड दी जा रही की सब्जी तो खिंड भी नहीं ताऊ जी, आप भी बस बिल्कुल मजाक कर रहे हैं ना। मजाक नहीं जी, मैं तो सच्ची बात कह रहा, जो भी है तो बदलाव का माहौल है, बदलाव है आपकी बात। बदलाओ इतना था जब नहीं पूछ लियो, हम ले वहाँ बैठ जूँगा, मेरा कोई और ना समझिए भी कौलता है ये नहीं आ रहे आदमी इनते पूछ लो। जी भाई साहब क्या चल रहा है चुनाव का? चुनाव बढ़िया चल रहा है। किसका लग रहा है माहौल? सभी का है, तुम फिर आगे बात कर रहे हो तो सभी का, तो सभी में तो बहुत है। तो क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? वक्त बताएगा, अभी रिजल्ट बताएगा रिजल्ट।